नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चौधरी। स्वागत है आप सभी का जीएम टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर एड्रेस आपको अपडेट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अभी ही आधार कार्ड ने नया जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एड्रेस आप अपने घर बैठे आसान तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं, वो भी कम समय में आप अपडेट कर सकते हैं। और तो ये इसका क्या प्रोसेसर है ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ssup.uidi.gov.in ये आपको लिंक ओपन करना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद में सिंपली आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आपको नेम एड्रेस आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आपको अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में जो साइड में कैप्स कोड लिखा हुआ है ये आपको सिंपली सेम टू सेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और ये टाइप करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ही ओटीपी जाएगा। जिसके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो नेम एड्रेस है वो चेंज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड के सेंटर पे जाके आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में अब आप अपना जो नाम, डेट ऑफ बर्थ है या फिर एड्रेस है वो आप अपने आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप अपना चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, तो इस पे आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने एक ऐसा एक और इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज या फिर जेंडर, एड्रेस, नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपको अपडेट करना है, ईमेल और मोबाइल नंबर इसमें अपडेट करने का अभी फीचर नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों, आप अपने को अपने जो आधार कार्ड में लैंग्वेज चेंज करनी है तो आपको सिंपली लैंग्वेज पे क्लिक करना है, तो आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप अपना जो आधार कार्ड है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको खास बात ये ध्यान रखना है, जेंडर ओनली फॉर आपके आधार कार्ड में वन टाइम ही एक बार अपडेट हो सकता है और नाम भी आपको तीन बार अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तीन बार के बाद में आप अपना जो नाम है वो अपडेट नहीं कर पाओगे और डेट ऑफ बर्थ भी आपको एक बार का ही इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और वन टाइम ही आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको खास ध्यान में रखते हुए आपको ये अपडेट करना है। जैसे ही कि आप गलत अपडेट एक बार कर देते हो तो दोबारा आपको इसमें सुधार करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसमें आप एड्रेस कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें एड्रेस का ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का इसमें लिमिट दिया हुआ है, तो ये आप अपना चेंज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मेरे को अभी डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो मैं अभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूंगा और नाम भी मेरे को अपलोड चेंज करना है तो नेम पे क्लिक करूंगा। तो सिंपल अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको जो चेंज करना है उस पे ही आपको क्लिक करना है, उसके बाद में आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, उसके बाद टर्म कंडीशन यहाँ आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें यही लिखा हुआ है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको वंस इन लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम में एक ही बार आप इसको चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको यस पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी जो पुराना आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में अभी जो अपना नया डेट ऑफ बर्थ डालना है वो आपको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज एक ही बार होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। मैंने वीडियो में दो तीन बार बता भी दिया है, आगे भी अभी बता देता हूँ कि ये ओनली फॉर वन टाइम ही चेंज होगा, दोबारा आप कुछ भी कर लेना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं होगा। तो आपको खास ध्यान रखते हुए चेंज करना है और ये डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करना है। इस जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट है वो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड का साइन करके उसके बाद ही आपको अपलोड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मेरे पास मार्कशीट है तो मैं अभी यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में इसकी जो फाइल की साइज है मैक्सिमम 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसका जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है JPEG, PNG एंड PDF तीनों में से कोई एक आपको
फॉर्मेट इसमें अपलोड करना होगा, एनीवन कोई और फॉर्मेट होगा तो इसमें अपलोड नहीं होगा। तो अभी अपलोड करने के लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में आपका जो भी मार्कशीट वगैरह स्कैन किया हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, उसके बाद में आपको सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, इसमें आपने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप और चेक कर लीजिए, और इसमें आपका जो भी अभी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका भी यहाँ पे आपके सामने प्रीव्यू है। अभी भी आप अपडेट करना चाहते हो, आपने कुछ गलत यहाँ पे एंट्री कर दी है, तो अभी भी आप एडिट पे क्लिक करके दोबारा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो साइड में ये कैप्स कोड लिखा है, इस कैप्स कोड को यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो, उसके बाद में ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद में आपको मैं के पेमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों इसमें एक नया ऑप्शन ये है कि पहले आप जो एड्रेस चेंज करते थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज हो जाता था, अभी आप एड्रेस नेम डेट ऑफ बर्थ कोई भी चेंज करोगे ये चार्जेबल, अभी जो भी सर्विस है ये चार्जेबल है, ये ₹50 इसमें आपको चार्ज देना होगा। और इसमें अभी जैसे कि चाहे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड हो या फिर भीम यूपीआई वगैरह से आप अपना जो पेमेंट है या आप आसान तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अभी ये मेरे को अपडेट करना नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए आपको ये पूरा प्रोसीजर कर दिया है। आप जैसे ही अपना जो प्रोसीजर कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट सीवीवी और आपको नेम ऑन कार्ड करके प्रोसेस कर सकते हो। इसमें भीम यूपीआई का भी ऑप्शन दिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी है। दोस्तों और भी आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई सुझाव है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी को भी अपने घर बैठे आप आसान तरीके से नाम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस अपना है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक बार ₹50 जो चार्ज लग जाता है और आप डॉक्यूमेंट गलती से गलत अपलोड कर देते हैं और वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो ये पेमेंट है नॉन रिफंडेबल है, आपको फिर आप दोबारा करोगे तो आपको दोबारा भी पेमेंट ₹50 करना पड़ेगा। तो आपको इसको खास ध्यान रखते हुए करना है, और इसमें पेमेंट का भी है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो एक एक बार भी चेंज होगा। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करें, और जेएम टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।